लोग अल्पसंख्यक है यहाँ और कोई देखने वाला नहीं है, ये राजपूत है जान करके तो ऐसा हुआ है। 6-7 राउंड गोली उसको मारा, उसके बाद में खुखरी से पेट काट दिया, कपार काट दिया। आंसुओं से भरी ये आंखें उस पिता और चाचा के हैं जिसने अपने 4 बेटे सहित एक भतीजे को नरसंहार में खोल दिया। 4 बेटा और भतीजा था, BSF में, अभी सर्विस में था राजस्थान में। होली छुट्टी में आया था, 10 दिन या 12 दिन की छुट्टी दे जा रहे हैं परिवार के साथ। उसका जो हत्या देखते ना, उसका जो कोई फोटो देखिएगा तो आप लोगों को ताजुब लगेगा। 6-7 राउंड गोली उसको मारा, उसके बाद में खुखरी से पेट काट दिया, कपार काट दिया। घटना स्थल यहाँ से 100 यही पोखर यही पर जी नहीं, पोखर पर कहाँ घटना हुआ, सामने है, सामने है पोखर पर। तो जो है जो जो उस सब साधारण जगह था कि अरे बीच रोड पर हुआ है, वहाँ का दृश्य देख लिया जाए आप लोग, ठीक है ना। गेहूं खेत में छिपा हुआ था वो लोग, कुछ आदमी इधर से मोटरसाइकिल से गया, कुछ आदमी उधर से धराधर, जैसे फौज में रिपीट फायर कराया जाता है वैसे रिपीट फायर जो है सो किया। जब तक जो है हम लोग पहुंचे, 5 मिनट के अंदर में पूरा खेला खत्म करके भाग गया। सुरेंद्र बाबू पोखर कतो छे जी? पोखर तो उमर गैबीपुर के पास छे। वही पोखर ले जी? नहीं नहीं, वो पोखर ललकी है थे। नहीं ना, पोखर वाला घटना में तो जैसे प्रशासन के लोग कहे छे कि भूमि विवाद, भूमि विवाद बना दिया, भूमि विवाद। दरअसल बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र इलाके के महमदपुर गांव में 29 मार्च को गोलीबारी हुई थी। इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसमें एक शख्स ने बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर मधुबनी के SP की माने तो 29 मार्च को हुई गोलीबारी की घटना में जिन लोगों की जाने गई उसमें BSF का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है जो कि होली की छुट्टी में घर आया हुआ था। SP ने बताया कि आरोपियों में 10-12 लोगों के नाम हैं, जिसमें से 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इस नरसंहार को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष सभी इस मामले पर पुलिस को कोस रहे हैं। इस बीच मृतकों के परिवार वालों से मिलने पहुंची राजद की फायर ब्रांड नेता रितु जायसवाल ने भी सरकार और पुलिस को जमकर लताड़ा है। उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात के दौरान कहा कि बिहार में आम लोग नहीं बल्कि अपराधी भयमुक्त हो चुके हैं। जो भय मुक्त बिहार, एक राज्य अपने आज बिहार भय मुक्त हो चुका है। और आपको पता बिहार बिहार के क्रिमिनल्स भय मुक्त हो चुके हैं 3 दिन में, बिहार के अपराधी भय मुक्त हो चुके हैं। जो भय मुक्त समाज और समाज करते हैं ना, हकीकत यह है कि बिहार का बिहार के अपराधी भय मुक्त हो चुके हैं, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है यहाँ की सरकार। वहीं इस घटना पर बिहार सरकार में BJP कोटे से मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि आज भी कुछ निकम्मे अधिकारी और पदाधिकारी पद पर बैठे हैं और उन्हीं की वजह से बिहार को बदनामी का दंश झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर ऐसे अधिकारियों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ उन्हें हटाने और दोषियों पर कार्रवाई के साथ पीड़ितों को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। बाकी इस घटना पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार सहित देश दुनिया के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।